ने दिल्ली आए बीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ कांग्रेस के बागी नेता विजय बहुगुणा और हरक सिंह रावत दोनों आने वाले थे लेकिन वो नहीं आए। इंडिया 24/7 के पास एक्सक्लूसिव लिस्ट है जिसमें दोनों कांग्रेसी नेताओं का नाम है। आखिरी समय में दोनों नेताओं का नाम लिस्ट से हटा दिया गया। वहीं बीजेपी के राष्ट्रपति से उत्तराखंड सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है बीजेपी ने। उत्तराखंड में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं जो हाथ उत्तराखंड में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, विधानसभा की मर्यादाओं की हत्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को जो लोग जो है तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो लोग बाहुबल धनबल सत्ताबल से निर्वाचित सरकारों को अपदस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों के मुंह से इस तरीके के आरोप सुनना थोड़ा सा मुझे नागवारा गुजरा। धनबल सत्ताबल बाहुबल इसमें खेल कर रहा है, वो सबने देखा है, सारे उत्तराखंड ने देखा है किस तरीके से हो रहा है। बिहार सरकार ने होली के मौके पर विधायकों को दिए जाने वाले गिफ्ट की परंपरा अगले साल से खत्म करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह फैसला उस वक्त आया है जब बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी और मंगल पांडे ने अपना गिफ्ट लौटाया है। सुशील मोदी ने अपना गिफ्ट लौटाते हुए मुख्यमंत्री से इस परंपरा पर विचार करने की अपील की थी। जब गुलाम सरवर साहब विधानसभा के अध्यक्ष थे तो उन्होंने भी सोने की घड़ी दिया था विधायकों को, और मैं और मेरे साथ कुछ अनेक विधायक थे जिन्होंने सोने की घड़ी को वापस कर दिया। लेकिन जब सरकार ने देने से इनकार कर दिया तो कदम कुआ के एक ब्लाइंड स्कूल की लड़कियों के विद्यालय को वो घड़ी मैंने दान में दे दिया था ताकि उस पैसे उस घड़ी को बेचकर उस विद्यालय को मदद की जा सके। ये कांग्रेस के समय से, लेकिन हाल के दो वर्षों में बड़े महंगे महंगे सामान देने की परिपाटी प्रारंभ हुई है जो कदापि उचित नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को पूरी व्यवस्था पर विचार करना चाहिए और पूरी तरह से इस व्यवस्था को बंद करने के बारे में और एक योग्य निर्णय लेना चाहिए। बिहार में होली के मौके पर पहले भी विधायकों को गिफ्ट दिया जाता रहा है लेकिन इस बार शिक्षा विभाग की तरफ से माइक्रोवेव ओवन देने के फैसले की आलोचना हो रही है, वो भी तब जब राज्य के शिक्षकों को पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं मिला है। हालांकि बीजेपी नेता सुशील मोदी के गिफ्ट लौटाने के फैसले पर उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नाराजगी जाहिर की है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने ये भी कहा है कि बीजेपी नेता अपने दिए गिफ्ट भूल गए हैं, अब उन्हें नैतिकता याद आ रही है। बीते शुक्रवार को शिक्षा विभाग की तरफ से विधायकों को माइक्रोवेव ओवन और पशुपालन विभाग की तरफ से ट्रॉली बैग और दूसरे गिफ्ट बांटे गए थे। इससे पहले गन्ना विभाग की तरफ से विधायकों को स्मार्टफोन गिफ्ट किए गए थे। यूपी का यश भारती सम्मान एक बार फिर विवादों में है। सवाल पूछा जा रहा है कि एक तरफ मुआवजे को लेकर किसान परेशान है तो फिर दूसरी तरफ अखिलेश सरकार ऐसे लोगों को पेंशन क्यों दे रही है जो अच्छा खासा कमाते हैं। सम्मान होना चाहिए पर उसकी एक सुव्यवस्थित सुसंगठित चयन प्रक्रिया होनी चाहिए। पेंशन देने का फरमान सरकार ने जारी किया है। मुझे लगता है कि जो सुविधा संपन्न लोग हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, उनको पेंशन क्यों। हर साल की तरह इस बार भी एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 46 लोगों को प्रशस्ति पत्र दिए, 11-11 लाख रुपए का चेक दिए गए और जिंदगी भर हर महीने 50,000 रुपए पेंशन पाने का अधिकार दिए। लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी में सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। जिस वक्त ये पुरस्कार बांटे जा रहे थे उस वक्त पूरा समाजवादी कुनबा वहां मौजूद था। मुख्यमंत्री के अलावा पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, सरी की हस्तियां मौजूद थी। क्रिकेटर आरपी सिंह, फिल्मकार विशाल भारद्वाज, अनुराग कश्यप, सुधीर मिश्रा, सिंगर अंकित तिवारी, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, डॉक्टर नरेश त्रेहान, पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा और अपर्णा कुमार को सम्मानित किया गया। कवि अशोक चक्रधर और यूपी के मुख्य सचिव आलोक रंजन की पत्नी सुरभि रंजन को भी सम्मान मिला है। इस विवाद पर समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया है कि ये कला का सम्मान है।
दिल्ली में एक बार फिर से ऑड इवन फॉर्मूला लौट रहा है। ऑड इवन का दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू होगा और 30 अप्रैल तक जारी रहने वाली इस योजना के लिए दिल्ली सरकार ने इस बार काफी तैयारियां की हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय के मुताबिक इस बार 80% से ज्यादा लोग ऑड इवन की वापसी चाहते थे। उन्होंने कहा कि पहली बार की तरह इस बार भी पर्यावरण बस सेवा शुरू होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान काटने के लिए इस बार 400 पूर्व सैनिकों की भर्ती की जाएगी। गोपाल राय ने कहा कि इस बार 5000 सिविल वॉलंटियर्स भी अपनी भूमिका में रहेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में पहली बार इस साल 1 जनवरी से 15 दिन के लिए ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया गया था। उधर तेलंगाना में विधायकों की सैलरी 400% बढ़ाने की चर्चा है। तेलंगाना में आपको बता दें कि अभी विधायकों की सैलरी 96,000 रुपए है और अगर 400% की बढ़ोतरी होती है तो विधायकों की सैलरी करीब 4,00,000 रुपए हो जाएगी और सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के विधायकों ने भी सैलरी बढ़ाने का समर्थन किया है। हैरानी की बात तो यह है कि विधायकों की सैलरी के लिए लोन भी लिया जाएगा। सोमवार को विधानसभा में पेश किए गए बजट के आंकड़ों के मुताबिक राज्य सरकार पर अभी भी 1.3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज पकाया है। पिछले 2 सालों में राज्य सरकार ने 83,846 करोड़ का कर्ज लिया था और साल 2014 में नया राज्य बनने के बाद 60,000 करोड़ का कर्ज और लिया गया। अभी तक निर्णय नहीं लिया है, सो सब पार्टियों में एमएलए सैलरी इंक्रीज करना बोलके, जो कर्नाटक में कैसा है, दिल्ली में कैसा है, अच्छा काम करने के लिए सैलरी जरूर इंक्रीज करना बोल के वो लोग डिमांड किए थे। इसके ऊपर अभी तक निर्णय नहीं लिया, जरूर एक निर्णय ले लेंगे। कितना इंक्रीज करने वाले सर? अभी तक डिसाइड नहीं हुआ ना सर, कुछ लोग सभी पार्टियों ने एक सहमति से सैलरी बढ़ाने की मतलब उसका समर्थन किया था, क्योंकि दूसरे राज्यों में भी इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। इसीलिए हम भी ये समझते हैं कि अब तेलंगाना की सरकार अगर जब ये सोचती है तो हम उसका विरोध न करें, ऐसा हमने सोचा है। गोरखपुर में आज पैदल मार्च के दौरान बीजेपी सांसद महंत आदित्यनाथ और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई। दरअसल पूर्वांचल में एम्स की मांग को लेकर महंत आदित्यनाथ ने शहर में पैदल मार्च का आह्वान किया था, जिसमें बीजेपी, हिंदू युवा वाहिनी, गोरखपुर पूर्वांचल विकास मंच और विश्व हिंदू परिषद समेत कई संगठनों के लोगों ने हिस्सा लिया। मार्च के दौरान तेज आवाज में गाना बजाने पर पुलिस और कार्यकर्ताओं में बहस होने लगी, जिसका बीजेपी सांसद महंत आदित्यनाथ ने विरोध किया और वो पुलिस पर भड़क गए और जमकर फटकार लगाई। यूपी के बिजनौर में एक जनसभा में राजपूतों के लिए आरक्षण की मांग की गई है। रवा राजपूत संघ के बैनर तले जनसभा में सहारनपुर, बागपत, मुजफ्फरनगर और मेरठ समेत यूपी के कई इलाकों के राजपूत शामिल हुए। इनकी मांग है कि समाज में दूसरे वर्ग के साथ बराबरी का आरक्षण दिया जाए। जनसभा में कहा गया कि अगर राज्य सरकार ने इनकी मांग की अनदेखी की तो यूपी में भी हरियाणा जैसे हालात हो सकते हैं। हम लोग सरकार से एक पुरजोर आवाज के साथ अपने लिए आरक्षण की मांग करते हैं, क्योंकि हमारा जो वर्ग है वो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, जो केवल कृषि क्षेत्र के अलावा किसी और कार्य पर नहीं है। कृषि में आज इतनी आय नहीं है कि वो आगे बढ़ पाए, इसलिए हमारे जो युवा हैं उनके लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार से भरपूर पुरजोर कोशिश के साथ आरक्षण की मांग करते हैं। बिजनौर में उठी आरक्षण की मांग का समर्थन यूपी के दूसरे जिलों के राजपूत भी कर रहे हैं और मेरठ में राजपूतों का कहना है कि जातीय नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। भाई राजपूत भी अब मांग करने लगे हैं तो इससे बड़ा एक संकट पैदा होने वाला है, जबकि ऐसा नहीं है कि हर जाति में गरीब नहीं है, हर जाति में गरीब है। तो इस पर ये सरकार को देखना है, सरकार का विषय है कि इसकी समीक्षा हो और किस तरीके से आरक्षण रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, किन लोगों को मिलना चाहिए, किन लोगों को नहीं मिलना चाहिए, इस पर जो है एक स्पष्ट नीति सरकार को बनाने की आवश्यकता है। राजपूतों के आरक्षण की मांग अब बहस का मुद्दा बन गया है। इसको लेकर समाज शास्त्री प्रोफेसर रवि प्रकाश का कहना है कि धीरे धीरे कई जातियों के लोगों
की अगर बात करें तो वो आरक्षण की मांग करने लगेंगे। हम देख रहे हैं कि चाहे वो गुजरात के पाटीदार हों, चाहे इधर हरियाणा के जाट हों, और आज जैसे यहाँ राजपूतों ने मांग की है, और वो देर नहीं कि अब ब्राह्मण, अब कायस्थ, अब भूमिहार ये भी मांग करेंगे आरक्षण। जो क्रीमी लेयर के ओबीसी और एससी हैं वो अपनी ही कम्युनिटी के साथ दगा कर रहे हैं, क्योंकि आरक्षण तो उन लोगों के लिए हुआ था कि जो निचले तबके पर हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति हैं, उनको उठाना। वाराणसी में होली से पहले गीत संगीत की मस्ती नजर आई और घाटों पर ढोलक की थापों के साथ फागुन के गीत सुनाई दिए। वाराणसी में होली बड़ी मस्ती के साथ खेली जाती है। प्रसिद्ध गायक अमलेश यहां होली को भोजपुरी अंदाज में मनाते नजर आए। उन्होंने राजनीतिक व्यंग तो गाए ही और साथ ही भोले शंकर के होली गीत भी सुनाए। इन गीतों पर काशी के लोगों के साथ विदेशी भी जमकर नाचे। होली की धूम हर जगह देखने को मिल रही है, फिर चाहे बात बाजारों की ही क्यों ना हो। पुरानी दिल्ली के बाजार में अलग अलग तरह के रंग बच्चों और युवाओं को काफी आकर्षित कर रहे हैं। उधर मथुरा के वृंदावन में पहली बार विधवा महिलाओं ने मंदिर में होली खेली। गोपीनाथ मंदिर में गुलाल और फूलों से होली खेली गई। पश्चिम बंगाल, वाराणसी और यूपी के दूसरे शहरों से विधवा महिलाएं होली खेलने वृंदावन पहुंची। मथुरा में ऐसी खास होली पहली बार आयोजित की गई। गोपीनाथ मंदिर में महिलाओं ने होली खेलकर खुशियों को जीने की कोशिश की और इस दौरान महिलाओं ने अपने मन की बात भी साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भक्त बताया है। दिल्ली में प्रधानमंत्री ने अंबेडकर मेमोरियल की आधारशिला रखी और प्रधानमंत्री ने कहा कि आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष झूठा प्रचार कर रहा है, लेकिन आज खुद बाबा साहेब भी आ जाएं तो आरक्षण नहीं छीन सकते हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमें देखकर कुछ लोगों को बुखार आ जाता है। आपको मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई? या तो हमारे देश में इतिहास को दबोच दिया जाता है, या तो हमारे देश में इतिहास को डाइल्यूट किया जाता है या डाइवर्ट कर दिया जाता है, अपने अपने तरीके से होता है। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए मॉडल बिल्डिंग बायलॉज में सरकार ने कई आकर्षक चीजें जोड़ी हैं और खास बात है कि घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। साथ ही बिल्डिंग की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय की ओर से कई तरह के आर्थिक प्रोत्साहन भी मिलेंगे। हर बिल्डिंग में स्मार्ट मीटर का कॉन्सेप्ट रखा गया है, जिसके जरिए बिल्डिंग में रहने वाले इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से डिस्काउंट हासिल कर सकेंगे। नए बिल्डिंग बायलॉज में लोकल बॉडी को यह अधिकार दिया गया है कि सोलर पैनल या वाटर हार्वेस्टिंग लगाने वाले लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स में भी छूट दे सकते हैं। ई कॉमर्स कारोबार के लिए टैक्सेशन पर बनी कमेटी ने ई कॉमर्स ट्रेड पर टैक्स लगाने का सुझाव दिया है और कमेटी ने सुझाव दिया है कि ई कॉमर्स ट्रेड पर 6-8% का इक्वलाइजेशन लेवी लगाया जाना चाहिए और ये लेवी 1,00,000 रुपए से ऊपर की डील्स पर लगाने का सुझाव है। अगर सरकार कमेटी की सिफारिशें मान लेती है तो इसका सीधा असर ई कॉमर्स कारोबार पर पड़ेगा। सरकारी अस्पतालों की सेहत सुधारने के लिए सरकार बड़ी योजना पर काम कर रही है। अब आपको बता दें कि अब एसी और रेफ्रिजरेटर की तर्ज पर अस्पतालों की भी स्टार रेटिंग होगी, यानी आम लोगों के लिए पहचान करना आसान हो जाएगा कि कौन सा अस्पताल अच्छा है और कौन सा खराब। अस्पतालों की रेटिंग केंद्रीय स्तर पर होगी। नीति आयोग ने अस्पतालों के लिए स्टार रेटिंग की रूपरेखा तैयार कर ली है। इसे प्रधानमंत्री की मंजूरी भी मिल चुकी है। सरकार इस सिस्टम को जल्द लागू करने जा रही है और सरकार का मानना है कि इससे अस्पतालों के बीच कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा। नीति आयोग ने अस्पताल के बेसिक इंफ्रा में सुधार के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाने का भी सुझाव दिया है। पहले चरण में केंद्रीय, राज्य और जिला अस्पताल इस सिस्टम के दायरे में होंगे, बाद में इसमें सार्वजनिक अस्पताल भी शामिल होंगे। रेटिंग के आधार पर अस्पतालों को केंद्र से आर्थिक मदद मिलेगी।
सरकार निजी फर्टिलाइजर कंपनियों को यूरिया इंपोर्ट करने की इजाजत दे सकती है। एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार निजी कंपनियों को मंजूरी देने पर विचार कर रही है और फिलहाल सिर्फ 3 सरकारी कंपनियों को ही यूरिया इंपोर्ट करने की इजाजत है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इंपोर्ट का कोटा तय करती है, यानी उस सीमा से ज्यादा कंपनियां इंपोर्ट नहीं कर सकेंगी। हालांकि कंपनियों को ये इजाजत उनके निजी इस्तेमाल के लिए मिलेगी। सरकार ने ज्वेलर्स को भेजे गए एक्साइज टैक्स के नोटिस वापस लेने का फैसला किया है और कई ज्वेलर्स को रीजनल एक्साइज डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजे हैं, लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने सारे नोटिस वापस लेने का फैसला किया है। एक्साइज डिपार्टमेंट इस बारे में 1-2 दिन में नया सर्कुलर जारी करेगा। विजय माल्या ने बैंकों का कर्ज चुकाने की योजना पर दोबारा काम शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक माल्या और उनकी टीम बैंकों के सामने जल्द ही नया प्लान पेश करेगी। आपको बता दें कि माल्या की ओर से पेश लोन रीपेमेंट की योजना को बैंक पहले ही खारिज कर चुके हैं। अब टीम ऐसे प्लान पर काम कर रही है जिसे बैंक स्वीकार कर रहे हैं। माल्या लीगल फर्म के साथ अपनी संपत्ति का आकलन कर रहे हैं। टीम में फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि टीम बैंकों के सामने वन टाइम सेटलमेंट प्लान भी पेश कर सकती है। इतना ही नहीं, किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारियों के बकाए चुकाने की भी तैयारी चल रही है, यानी पहली बार माल्या की ओर से कर्मचारियों के बकाए के भुगतान की कोशिश हो रही है। किंगफिशर एयरलाइंस अक्टूबर 2012 से ग्राउंडेड है और माल्या पर बैंकों का करीब 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरसी लोढ़ा ने कहा है कि जब बैंक ने लोन दिया है तो उसकी वसूली हर हालत में की जाएगी। लोढ़ा के मुताबिक जरूरत पड़ी तो बैंक सरकार से नियमों में बदलाव करने को भी कहेगा। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने वर्ष 2010-11 के लिए कांग्रेस की बैलेंस शीट मांगी है। अदालत ने 11 मार्च को दस्तावेज जमा करने का आदेश दिया था, लेकिन कांग्रेस के वकील ने कहा कि कोर्ट का समन 2 दिन पहले ही मिला है और इसमें साफ नहीं है कि किस वर्ष के लिए बैलेंस शीट चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने साफ किया है कि 2010-11 की बैलेंस शीट चाहिए। इस मामले में अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। उधर HDFC म्यूचुअल फंड ने फ्रंट रनिंग केस में नुकसान उठाने वाले निवेशकों को भरपाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। HDFC म्यूचुअल फंड ने शनिवार से इसकी जानकारी निवेशकों को देनी शुरू कर दी है। फंड के मुताबिक सेबी के निर्देशों के तहत निवेशकों के खाते में रकम ट्रांसफर की जा रही है। HDFC म्यूचुअल फंड का फ्रंट रनिंग केस 2007 का है। HDFC म्यूचुअल फंड के एक इक्विटी डीलर ने फंड के निवेशकों के लिए सौदे से पहले इसकी जानकारी दूसरों को बांटी और 2.25 करोड़ रुपए का गलत मुनाफा कमाया। अब सेबी ने गलत तरीके से कमाए गए मुनाफे को निवेशकों को लौटाने का आदेश दिया था। HDFC म्यूचुअल फंड ने इक्विटी डीलर के अलावा 3 और लोगों के कामकाज पर 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया था। मुंबई के दामोदर पार्क में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां कार में ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम बंद हो जाने की वजह से एक मासूम की दम घुटने से मौत हो गई। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 7 ने कुछ दिन पहले एक केस में 15 टवेरा गाड़ियां पकड़ी थी और पार्किंग की समस्या के चलते इन गाड़ियों को दामोदर पार्क में खड़ा किया था। यहां करीबन 4 बजे 5 साल का बच्चा खेलते खेलते इनमें से एक गाड़ी में चला गया। इस दौरान कार का ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम बंद हो गया, जिसके चलते बच्चा अंदर ही रह गया और इसके बाद बच्चे की दम घुटने से मौत हो गई। परिजनों ने जब बच्चे की तलाश शुरू की तो बच्चा कार के अंदर पाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को राजबाड़ी हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि यह बच्चा दामोदर पार्क इलाके में ही पेश इमाम चौल घाटकोपर में रहता था। पूरी घटना के बाद प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए। अमेरिका और क्यूबा के संबंधों में नया अध्याय जुड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा 3 दिनों की यात्रा पर क्यूबा में हैं और 88 सालों के बाद अमेरिका का कोई राष्ट्रपति क्यूबा के दौरे पर आया और क्यूबा आने के बाद ओबामा सबसे पहले अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों से मिले। यात्रा के पहले दिन ओबामा ने हवाना के टूरिस्ट स्पॉट का दौरा किया और ओबामा क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो से तो बातचीत करेंगे, लेकिन उनके भाई फिदेल कास्त्रो से ओबामा की मुलाकात नहीं। Full to be. Back in 1928, President Coolidge came on a battleship. It took him 3 days to get here. It only took me 3 hours. For the first time ever, Air Force One has landed in Cuba, and this is our very first stop. So this is a historic visit, and it's a historic opportunity.
नेपाल ने तिब्बत के रास्ते चीन के साथ रेल लिंक बनाने का समझौता किया है और अभी ट्रांजिट के लिए नेपाल को सिर्फ भारत पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन इससे चीन के जरिए भी सप्लाई रूट खुल जाएगा। नेपाल में मधेसी आंदोलन के दौरान करीब 6 महीनों तक भारत के साथ सप्लाई रूट बाधित था और इससे वहां की अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ा है। 7 दिनों के चाइना दौरे पर गए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने चीन के पीएम ली केक्यांग से 2 रेल लाइनें बनाने की पेशकश की है और तिब्बत के शहर शिगास्ते से नेपाल सीमा पर गैरांग तक चीन पहले ही रेल लाइन बिछाने की योजना बना चुका है। अब चीन गैरांग से भी आगे रेल लिंक बनाने की योजना बनाएगा। रेल लिंक बनाने के अलावा नेपाल और चीन के बीच 9 और समझौते हुए हैं। दुनिया की सबसे पॉपुलर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने आज अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। 21 मार्च 2006 को लॉन्चिंग के बाद से 10 सालों के दौरान ट्विटर में कई बदलाव देखने को मिले। आज देश दुनिया की जानकारी के लिए ट्विटर अहम जरिया बन चुका है। आज ट्विटर इतना पॉपुलर हो चुका है कि दुनिया की बड़ी हस्तियां इसका इस्तेमाल कर रही हैं। भारत में 19 करोड़ 90 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ट्विटर पर सबसे पसंदीदा शख्सियत हैं। 1 करोड़ 87 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत कम समय में दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। 71 करोड़ 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा ट्विटर पर दुनिया के सबसे पसंदीदा राजनीतिक हस्ती हैं।